These people, they're scourge on the neighborhood. शुभ दोपहर दर्शकों, ग्रेट ग्रिम्सबी यूनाइटेड किंगडम से पाकिस्तान समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण समाचार साझा करना चाहता हूं। हाल ही में ग्रिम्सबी के अंदर के एक गांव स्कार्थोटॉप में बहुत सारे अपराध हुए हैं। रातों रात साइकिलें चोरी होने की रिपोर्ट से लेकर बगीचे में डकैतियां पर। हम्बरसाइड पुलिस ने वेस्ट मार्श एस्टेट में कई घरों पर भी छापा मारा है, जिसमें 900 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। ग्रेट ग्रिम्सबी जनसंख्या और आकार के हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही अपराध भी बढ़ते हैं, विशेषकर शहर के हृदय के निकट। यह सिर्फ ग्रिम्सबी में ही नहीं हो रहा है, बल्कि लिंकन और हल जैसे आसपास के कस्बों और शहरों में भी हो रहा है। ग्रिम्सबी की सांसद लिया निक्की इन मुद्दों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आगे हमारे पास यमन से कुछ खबरें हैं। हौथिस के नाम से जाने जाने वाले एक यमनी उग्रवादी समूह ने लाल सागर में इजराइल से संबंधित एक जहाज पर हमला किया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ एक्शन लेने का फैसला किया, दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने भी कुछ बदला लेने का फैसला किया। फिलहाल इजराइल और गाजा के बीच युद्ध अभी भी जारी है। इन विनाशकारी घटनाओं के कारण यमन में विरोध प्रदर्शन और रैलियां हुई, जबकि सेना ने कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण लिया। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية